Hello students, how are you all? Today in this video I will teach you chapter 1st of snapshot, which is the summer of the beautiful white horse. Kya padhenge? Summer of the beautiful white horse. Theek hai, this is the first chapter of snapshot. Kaun si book ka hai aapki ka? Snapshot ka hai. Theek hai, so first of all see the title of the story. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. समर मीन्स समर टाइम है. ठीक है, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स यानी कलर ऑफ द हॉर्स इज व्हाइट. ठीक है, एलिगेंट है यानी व्हाइट हॉर्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा एलिगेंस बढ़ जाता है अगर हॉर्स की बात करो तो. ठीक है, सो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, व्हाट डू यू थिंक इज द स्टोरी अबाउट? आपको क्या लगता है कि कहानी किसके बारे में है? गेस कीजिए. देखिए, द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज. किसके बारे में है? द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज. ठीक है, हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. जो एक ऐसी ट्राइब से यानी जो एक ऐसी जनजाति कह सकते हैं, ट्राइब कह सकते हैं, बिलोंग करते हैं, जिनका हॉलमार्क क्या है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी है. ठीक है, तो कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो देखिए, नरेटर खुद है एक तो, एंड स्टोरी लिखी गई किसके द्वारा? विलियम सरोयान के द्वारा. किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम सरोयान के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, और जो कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं. पहला कैरेक्टर है एरम. ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर है मुराद. कौन है? मुराद है. एंड थर्ड वन इज अंकल कौसरो. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जॉन बायरो. ठीक है, एरम एंड मुरादार कजन्स. ठीक है, कजन है अंकल कौसरो, एरम्स कजन है. ठीक है, एरम का कजन है जॉन बायरो इज अ फार्मर. ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन बायरो इज द ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स. यानी जिस व्हाइट हॉर्स की चर्चा हम करने जा रहे हैं स्टोरी के अंदर, उस व्हाइट हॉर्स का ओनर कौन है? जॉन बायरो. ठीक है, हल्के फुल्के एक दो और भी कैरेक्टर्स हैं तो उनके बारे में बीच बीच में हम बताते रहेंगे. ऑलराइट, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको कहानी का, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए. सी मुराद. ठीक है, मुराद इज अ क्रेजी स्ट्रीक. कैसा है? क्रेजी बॉय है. ठीक है, जबकि एरम एक जो नैरेटर है कहानी का, एरम क्या है? नैरेटर. ठीक है, मुराद क्या है? एरम्स कजन है. ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लोगे, ये दोनों के दोनों कजन हैं. ठीक है, समर का टाइम है, फ्री है, स्कूल नहीं है. ठीक है, दे बोथ आर फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स. ये दोनों के दोनों जो है हॉर्स राइडिंग करने के बड़े ही शौकीन हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी मैंने बताया था कि टू पुअर आर्मेनियन बॉयज, यानी ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पुअर हैं. कैसे हैं? पुअर हैं, यानी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं, इनके अंदर इनके पास इतना पैसा नहीं है दैट दे कैन परचेज अ हॉर्स, कि वो कोई हॉर्स परचेज कर सकें. बट दे आर टू मच फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स. तो ये अब देखिए कि ये लड़का क्या करता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए. मीन्स वन वे वी कैन से दैट कि वो अपनी जो ट्रैम का जो ट्रस्ट है ना, यानी हॉलमार्क है ना, ट्रस्ट और ऑनेस्टी को उसको दांव पर लगा देता है. बिकॉज ही स्टील्स अ हॉर्स. वो क्या कर लेता है? जॉन बायरो यानी इस फार्मर के जो व्हाइट हॉर्स है ना ये वाला, इसको क्या कर लेता है? स्टील कर लेता है. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कहानी में इसकी हॉर्स राइडिंग को दिखाया गया है. ठीक है,
दोनों काम किए गए, अपनी इच्छा भी पूरी कर ली एंड द बॉयज सेव्ड द हॉलमार्क ऑफ देयर ट्राइब, यानी उन्होंने अपनी ट्राइब के हॉलमार्क को भी बचा लिया, धब्बा लगने से बचा लिया। ठीक है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज व्हेन आई वाज 9, यानी पहले बहुत पहले व्हेन आई वाज 9, व्हेन एरम वाज 9 इयर्स ओल्ड and the world was full of every imaginable kind of magnificence, yani us time par, yani when the narrator was 9 years old at that time the world was full of every kind of imaginable magnificence, yani duniya har kalpanik bhavyata se, har kalpanik tarike ki khushiyon se, magnificence se bhari hui thi. Jab narrator kitna bada tha, Aram 9 years ka tha, means the narrator starts the story with nostalgic feelings, kiske sath begin kar raha hai, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के साथ बिगिन कर रहा है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आर द फीलिंग्स विद जॉय एंड सॉरो। ठीक है, जब भी हम अपने प्राचीन काल की हमें पास्ट लाइफ को रिमेंबर करते हैं, ठीक है, अपने पास्ट फीलिंग्स को रिमेंबर करते हैं, सच फीलिंग्स आर नोन एज नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो नैरेटर इज रिमेंबरिंग हिज टाइम व्हेन ही वाज 9 इयर्स ओल्ड एंड ही इज सेइंग दैट एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी काइंड ऑफ इमेजिनेबल मैग्निफिसेंस and life was still a delightful and mysterious dream, aur us time par jeevan to ek mysterious dream ki tarah tha. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody, mera cousin Murad jise kya samjha jata tha, crazy samjha jata tha by everybody who knew him except me, yani mujhe chhod kar ke jo bhi use janta tha wo use kya samajhta tha, crazy samajhta tha. theek hai, yani wo apne jeevan ko actually mein fully jeeta tha और अपने एंजॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे, क्रेजी कहते थे। केम टू माय हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, यानी मुराद केम एट द हाउस ऑफ एरम एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, और मेरी रूम की विंडो पर टैप करके ऐसे ऐसे करके उसने क्या किया, मुझे उठाया। ठीक है, एरम ही सैड आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं जो है बेड से जंप किया एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बेड से नीचे आकर के बाहर आकर के जो उसने विंडो की ओर देखा, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, व्हाट डू यू थिंक डिड ही सी, यानी बिलीव नहीं कर सका जो उसने देखा था। इट वाज इन मॉर्निंग येट, यानी सुबह हुई नहीं थी, बट इट वाज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाज इन ड्रीमिंग, यानी सुबह भी नहीं हुई थी और हल्की सी, कहते हैं ना कि 5 बजे के टाइम पर, 4:30 बजे के टाइम पर, 4 बजे के टाइम पर गर्मियों के दिनों में पीला पीला सा छा जाता है। ठीक है, तो उसे ये पता चल रहा था कि अब रात भी नहीं थी और इन चीजों को देखकर उसे ये भी लग रहा था कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि नरेटर जो क्या नहीं कर रहा था, ड्रीम नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी लाइट थी, इतना एनवायरमेंट में प्रकाश आ चुका था। माय कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी मेरा कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, वो क्या कर रहा था, व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। ठीक है, अच्छा बिलीव क्यों नहीं कर सका, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पुअर ट्राइब। ठीक है, वो पुअर थे, उनकी जो ट्राइब थी ना, आर्मेनियन ट्राइब थी ना, वो कैसी थी, पुअर थी। ठीक है, इसीलिए उसे बिलीव नहीं हुआ कि ये कहाँ से लिया है। स्टार्टिंग से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, ऑन द वन हैंड दे वर पुअर, खरीद सकते नहीं थे, एंड ऑन दी अदर हैंड दे वर नोन फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, तो चोरी कर नहीं सकते थे, तो ये घोड़ा कहाँ से ले आया, इसीलिए उसने बिलीव नहीं किया। ठीक है, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपने सिर को निकाला विंडो से बाहर एंड रब्ड माई आईज, आंखों को रब किया ऐसे करके। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, आर्मेनियन इज अ काइंड ऑफ language, it's horse, you are not dreaming, make it to if you want to write, dream नहीं कर रहा, सपने नहीं देख रहा, हाँ सच में ये horse है, अगर आपको ride करनी है ना, जल्दी से आ जाए फटाफट से, जैसे कि एक दोस्त दोस्त से कहता है, कजन कजन से कहता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से उसने कहा। I knew my cousin Murad enjoying being alone more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. Narrator knew his cousin Murad that he enjoyed each and every moment of his life. यानी ही एंजॉयड मोर देन द पीपल हु फॉलन इन द लाइफ बाय मिस्टेक, थोड़ा सा ह्यूमरस हो गया है, विलियम्स हो गया है यहाँ पर, यानी मजाकिया ढंग से कह रहा है कि मैं अपने कजन को जानता था, वो इस दुनिया में हर उस व्यक्ति से ज्यादा एंजॉय करता था जो व्यक्ति इस दुनिया में गलती से आ गया था, बाय मिस्टेक आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा फनी हो गया है।
बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था जितना मैं कुछ बिलीव कर सकता था। यानी इतना तो था कि वो एंजॉय करता था और जो कुछ उसे अच्छा लगता था वो सब अक्वायर कर लेता था, लेकिन एक हॉर्स को ले आना, वो व्हाइट हॉर्स को ले आना, ये तो मोर देन बिलीव, ठीक है, मोर देन द कैपेसिटी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, यानी अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, किसकी थी, हॉर्सेस के बारे में थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स had been longings to ride, means the narrator's longings, narrator's longings यानी यहाँ पर क्या है, desire, ठीक है, आकांक्षा इसे कहते हैं, वो है had been longing to ride, had been longing to ride the horse, यानी उसकी जो आकांक्षा थी, उसकी जो desire थी, aspirations थी, वो क्या थी, horse riding की थी, ठीक है, जहाँ तक उसे याद है narrator को। This was the wonderful part, तो ये horse को ले आना राइडिंग करने के लिए वंडरफुल पार्ट था, ठीक है, कहानी समझिए थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यानी कि ऑन द वन हैंड माई मेमोरीज हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्सेस की मेमोरी थी, एंड ही हैड लॉन्गिंग्स टू राइड हॉर्स, ठीक है, हॉर्स राइडिंग की उसकी एस्पिरेशंस थी, ठीक है, सो ऑन दैट वे दिस वाज वंडरफुल पार्ट, उस तरीके से तो ये वंडरफुल पार्ट था, ठीक है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, सेकेंड प्लेस पर देखिए हम कैसे थे, पुअर थे, गरीब थे, ठीक है, तो हॉर्स परचेज नहीं कर सकते, राइड नहीं कर सकते थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, यानी बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर आई वुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, यानी पुअर होने की वजह से मैं बिलीव नहीं कर पाया था जो कुछ मैं देख रहा था, ठीक है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पूरी की पूरी जो गैरोग्लेनियन ट्राइब थी, आर्मेनियन की एक सब ट्राइब है गैरोग्लेनियन, ठीक है, तो पूरी की पूरी जितनी भी उनकी ट्राइब है वो कैसी थी, पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेन लिख के बता देता हूं मैं आपको, गैरोग्लेनियन, ठीक है, एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी गैरोग्लेनियन फैमिली की हर एक ब्रांच जो है दुनिया में बड़ी ही कॉमिकल पॉवर्टी में रह रही थी, ठीक है। गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेनियन ट्राइब इज अनदर टर्म फॉर आर्मेनियन, किसके लिए है, आर्मेनिया के लिए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि स्टार्टिंग में तो नैरेटर क्या करा था कि ये दो आर्मेनियन बॉयज की कहानी है, ठीक है, तो ये गैरोग्लेन उसी का एक टर्म है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the headman of the family. Yani, in the family nobody knew from where shall we able to get the food to keep our bellies with food. Yani, family में किसी को भी ये नहीं पता होता था कि हम अपना पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करें, ठीक है। Not even the old man of the family, not even the head man of the family. ठीक है? Most important of all, तो ये चीज थी, दो we were famous for our honesty. यानी वो famous किसके लिए थे? Honesty के लिए famous थे. जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि trust and honesty were their hallmark. ठीक है? We had been famous for our honesty for something like 11th century. Means they had been known for their honesty since and for, sorry for 11th centuries. 11th centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. Yani, even when we had been the wealthiest family. यानी कभी इनकी जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी कैसी रहा करती थी, वेल्थीएस्ट फैमिली रहा करती थी, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यानी दुनिया भी बिल्कुल बड़ी अच्छी थी। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, यानी हमें प्राउड होता था, ठीक है, अपने ऑनेस्ट होने पर। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, यानी अपने वेल्दी होने पर उनको क्या होता था, प्राउड होता था, एंड नेक्स्ट वो क्या थे, ऑनेस्ट भी थे। And after that we believed in right and wrong. और उन सब चीज़ों के बाद हम believe करते थे सही और गलत में, ठीक है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone stealing.
देखिए कितनी बड़ी बात करी नैरेटर ने, मनन कर लो इसको, नन ऑफ अदर वुड टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर लेट अलोन स्टील, यानी हम में से कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे के एडवांटेज को भी नहीं लेता था, यानी किसी का फायदा भी नहीं उठाता था, चोरी की तो बात दूर छोड़ दो। यानी वो कह रहा है नैरेटर की समथिंग लाइक 11th सेंचुरी हेरोक्लियन ट्राइब वाज द वेल्थीस्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड एंड दे थिंक व्हाट द वर्ल्ड वाज, ठीक है, तो प्राउड होता था पहले तो कि हम अमीर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या थे वो, ऑनेस्ट थे, ठीक है, इतने ऑनेस्ट थे दैट दे विल दे वुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ वन अनदर लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही दूर छोड़ दी, ठीक है। तो ये समअप हो गया आपका बयान। अब जब 11th सेंचुरी की बात करते हैं, 11th सेंचुरी बहुत ज्यादा पुअर थे, इतने पुअर थे कि इवन घर के जो मुखिया लोग होते थे उनको भी नहीं पता होता था कि हम अपने बच्चों के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खाना कहाँ से जुटाएंगे, पैसा कहाँ से लाएं। खैर ठीक है, कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, वो देख सकता था कि हॉर्स को, सो मैग्निफिसेंट, इतना मैग्निफिसेंट यानी इतना ग्रैंड, ठीक है, शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यानी हॉर्स की स्मेल को फील कर सकता था, सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, यानी हॉर्स को ब्रीदिंग करते हुए फील कर सकता था, इतनी एक्साइटिंग थी, ठीक है, एक्साइटिंग था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद माई विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर सकता था कि हॉर्स का मेरे कजन मुराद से कोई लेना देना है या मेरे से कोई लेना देना है या मेरे फैमिली के किसी मेंबर से कोई लेना देना है, क्योंकि वो लोग तो बहुत गरीब थे, दे कुडंट परचेज अ हॉर्स, वो परचेज कर ही नहीं सकते थे, एंड मोर ओवर द हॉर्स वाज सो मैग्निफिसेंट, सो स्प्लेंडर, सो ग्रेसियस, ठीक है, इतना अच्छा था। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. Asleep or awake, सोया जागा, नरेटर को पता था कि मुराद could not bought the horse, परचेज कर ही नहीं सकता था, and if he couldn't have bought it, और जब वो उसको bought कर ही नहीं सकता था, परचेज कर नहीं सकता था, he must have stolen it, तो उसने क्या किया होगा, चुराया होगा, and I refused to believe he had stolen it, और मैंने इस बात को believe करने से तो मना ही कर दिया था कि उसने चोरी की थी, वो जो पहले बता चुका है कि हमारी ट्राइब जो ऑनेस्ट और ट्रस्ट के लिए जानी जाती थी, ठीक है, नो मेंबर ऑफ द गेरोक्लिनन फैमिली कुड बी अ थीफ, हो ही नहीं सकता था थीफ को। आई स्टेड फर्स्ट एट माय कजन एंड देन एट द हॉर्स, यानी पहले किसकी ओर देखा, कजन की ओर देखा, फिर हॉर्स की ओर देखा, देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, देयर वाज अ पायस स्टिलनेस यानी सैक्रेड calmness and humor in each of them, in horse and in Murad, which on the one hand delighted me, जिसने एक और तो narrator को क्या कर दिया, खुश कर दिया, and on the other hand frightened, और दूसरे क्या कर दिया, frightened। देखिए फिर से वहीं चलते हैं वापस, narrator had longings to ride a horse, ठीक है, उसकी longings थी horse riding करने की, तो on the one hand The presence of the horse with his cousin delighted him, ने उसको खुश कर दिया था कि एटलीस्ट मौका मिल गया क्या करने का, horse riding करने का, but on the other hand it frightened him, क्यों, क्योंकि उनकी जो फैमिली का जो हॉलमार्क था वो दांव पर लग गया था, क्योंकि वो लड़का और खरीद नहीं सकता था, वो क्या करके लाया था, चोरी करके लाया था, राइट, तो इसीलिए उसे डर लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया था अपने हॉर्स, लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, जल्दी से विंडो से कूद के आ, अगर राइड करनी है तो, इट वॉज ट्रू देन, ट्रू हो चुका था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने चुराया था हॉर्स को, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया था, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो तो मुझे इन्वाइट करने के लिए आया था कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं, वेल इट सीम्ड मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, ऐसा लग रहा था मुझे कि हॉर्स को चुराना राइड करने के लिए वाज नॉट द स्टीलिंग ऑफ द समथिंग एल्स सच एज मनी, यानी वैसी स्टीलिंग नहीं है जैसी पैसा चुराने की चोरी होती है, वैसी चोरी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं नैरेटर खुद भी जो है मुराद की चोरी में क्या हो रहा है, उसकी चोरी को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर हॉर्स को आप राइडिंग के लिए चुरा रहे हो तो वो चोरी नहीं है, और ऐसी चोरी नहीं जैसे कि मनी की चोरी हो, ठीक है। अरे पर लेकिन अगर देखा जाए चोरी तो चोरी है, For all I knew, maybe it wasn't stealing at all, हो नहीं सकती, चोरी नहीं हो सकती। If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, अगर आप क्रेजी हो हॉर्स के बारे में जिस तरीके से मैं और मेरा कजन था, it wasn't stealing, यानी इस तरीके से नैरेटर ने अपने कजन मुराद की स्टीलिंग को जस्टिफाई कर दिया कि नहीं वो चोरी नहीं है।
सो इट्स इनफ फॉर द अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.